ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैव प्रौद्योगिकी में इनको विकसित किया जाता है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्राणियों को डेवलप किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स मानव जाति के उपयोग के लिए होते हैं। इनसे हम विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात इनके द्वारा जो बायोलॉजिकल पदार्थ जैसे ऊन, दूध, मीट व अन्य पदार्थ जो इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको हम अधिक मात्रा में प्रोडक्ट कर सकते हैं या इनको बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयास किया वो गॉर्डन तथा रूडल थे, जिन्होंने 1981 में ट्रांसजेनिक शब्द को उपयोग में लिया और इन्होंने चूहे की निश्चित एग्स में या रेड्स के जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उसमें किसी फॉरेन जीन या पैसेंजर जीन को स्थानांतरित किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं, इन एनिमल में हम किसी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं, अर्थात किसी जीन के स्थानांतरण के करने के बाद में जो जीव उत्पन्न होता है उसे हम ट्रांसजेनिक जीन के नाम से या ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को चूँकि मानव के द्वारा जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं उनको बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि मानव जाति के कल्याण के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए इन जीवों को प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि इसमें जीन का ट्रांसफर किया जाता है तो इसलिए डिजायर जीन या आवश्यक जीन को इसमें स्थानांतरित किया जाता है। जीन को स्थानांतरित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की अनेक विधियाँ हैं, उनको उपयोग में लिया जाता है। जैसे हम किसी जीन को ट्रांसफर करें तो हम माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से कर सकते हैं। इसमें हम प्रोन्यूक्लियाई में किसी जीन या डीएनए के भाग को स्थानांतरित करते हैं, जिसे हम फॉरेन जीन या पैसेंजर जीन के नाम से जानते हैं, जिसमें आवश्यक गुण होते हैं या हम जिस पदार्थ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस पदार्थ के आवश्यक गुण इस जीन में पाए जाते हैं। इन्हें इस जीन को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कोशिकाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड या रेट्रोवायरस के माध्यम से भी हम जीन को कोशिकाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीन को स्थानांतरित करने के लिए जो विधियाँ ली गई हैं उनमें एक रेट्रोवायरल विधि भी है। इसके साथ हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के माध्यम से भी जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं। जीन को स्थानांतरित करने के बाद में चूँकि ये जीन उस कोशिका में मिल जाता है और वहाँ जाने के बाद में ये उस पदार्थ का निर्माण करता है जिसके लिए उत्तरदायी होता है, जिसके लिए इसमें आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएँ पाई जाती हैं। इन आवश्यक आनुवंशिक सूचनाओं के अनुसार ये जीन वहाँ उस प्रोटीन का निर्माण करता है जिसके लिए ये कोडित होता है और उस जीन में उस प्रकार के लक्षण या उस प्रकार के पदार्थ का निर्माण होने लग जाता है। डोली शिप को भी एक ट्रांसफर जीन की विधि के द्वारा बनाया गया था। इसमें संपूर्ण केंद्र को स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें केवल जीन को स्थानांतरित नहीं किया जाता, पूरे न्यूक्लियस को स्थानांतरित किया जाता है। डोली शिप को बनाने के लिए मुख्य रूप से फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस को माइक्रोपिपेट की सहायता से हटा लिया जाता है और ई न्यूक्लियोटाइड जो एग्स हमें प्राप्त होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड या ऐसे एग्स जिनके अंदर केंद्रक नहीं है, इनके अंदर हम जिस जीव का ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना चाहते हैं
उसके न्यूक्लियस को इसमें स्थानांतरित कर देते हैं। डोलीशिप में इसी प्रकार के प्रयोग किए गए थे, इसमें संपूर्ण जीन को स्थानांतरित किया गया था या संपूर्ण न्यूक्लियस को स्थानांतरित किया गया था, जिससे इसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं या क्लोन के रूप में इसको पढ़ते हैं। चूँकि इसमें जीन में स्थानांतरित होता है, इसलिए इसे हम ट्रांसजेनिक जीन भी कहते हैं। पूर्ण कोशिका में केंद्रक को बदलने के लिए सर्वप्रथम कोशिका को हम साइटोकेलिन बी के द्वारा उपचारित करते हैं और इसके बाद में इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज करके इसको प्राप्त कर लेते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक कोशिका के अंदर हम संपूर्ण न्यूक्लियस को माइक्रोपिपेट या माइक्रो इंजेक्शंस या रेट्रोवायरस विधि के द्वारा हम न्यूक्लियस को स्थानांतरित कर देते हैं। इसके लिए हम कोशिका को पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल या PEG में रखते हैं, जिससे केंद्र का पूर्ण रूप से रोपण हो जाता है। केंद्रक जैसे ही इन्यूक्लेटेड सेल्स या अंडे के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, इस एक्स को हम मादा के यूट्रस या गर्भाशय में रोपित कर देते हैं या स्थानांतरित कर देते हैं या इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट करने के बाद में हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा, चूँकि यूट्रस में नेचुरली जीव या एम्ब्रियोजेनेसिस मैकेनिज्म के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, और इस विधि के द्वारा जो हार्मोनल बैलेंस बना करके या हार्मोन को नेचुरली प्रोड्यूस कर एम्ब्रियो को सपोर्टिंग हार्मोन्स दिए जाते हैं और ये एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप होता है या भ्रूण यहाँ पर परिवर्तित होता है। हम जानते हैं कि नेचुरली जंतुओं के अंदर भ्रूणीय परिवर्धन की मैकेनिज्म पाई जाती है, उसी प्रकार से ये जीव भी या ये एम्ब्रियो भी वहाँ डेवलप होता है और न्यूवन को जन्म देता है। जो न्यूवन जन्म देता है, इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं। चूँकि इस जीव के अंदर या इस जंतु में वो लक्षण भी पाए जाते हैं जो जीन इसमें ट्रांसफ़र किया गया था, तो जीव के अंदर नए लक्षण या ट्रांसफर जीन के अनुसार जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेनिक ये जो विधियाँ हैं, इनमें हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी, चूहे, सुअर, खरगोश आदि जंतु को हम इस विधि के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ आजकल एम्फीबियंस तथा इंसेक्ट्स के ऊपर भी अध्ययन होने लग गया है और ये भी इनके द्वारा डेवलप किए जा सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के माध्यम से भी हम ट्रांसजेनिक जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं या जीन को स्थानांतरण करके हम ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को प्राप्त कर इसमें हम उस आवश्यक जीन को या पैसेंजर जीन को स्थानांतरित करते हैं या उस डिजायर जीन को स्थानांतरित करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है या उससे संबंधित हम प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मान लीजिए दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले या मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित जीन को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरण होने के बाद में इस कोशिका को हम ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर, हम जानते हैं कि मेमेलियन जो ब्लास्टुल है, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट में इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनके अंदर ट्रांसजेनिक जीन पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में स्थानांतरित करते हैं, इसके बाद में इस ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और यहाँ पर चूँकि इस मदर के गर्भाशय में स्थानांतरित होने के बाद में इसमें नेचुरली हार्मोनल बैलेंस के द्वारा एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप होता है या भ्रूणीय परिवर्धन होता है, और जैसे ही भ्रूणीय परिवर्धन होगा तो न्यूवन जन्म लेगा और वो जो न्यूवन जन्म लेता है उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी जंतु के अंदर
जिनको स्थानांतरित करने के लिए हम माइक्रोपिपेट, रेट्रोवायरस या स्टेम सेल्स इन विधियों को उपयोग में ले सकते हैं। इन विधियों के माध्यम से हम जीन को कोशिका में स्थानांतरित करके उस कोशिका को हम डेवलपिंग एम्ब्रियो में स्थानांतरित कर सकते हैं या डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्था में उस कोशिका को स्थानांतरित करके हम ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।